नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। माँ दुर्गा के तृतीय शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि विग्रह के तीसरे दिन इनका पूजन किया जाता है। माँ का यह स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत और सौम्य है और मुख पर सूर्यमंडल की आभा छिटक रही होती है। इनके 10 हाथ हैं। 10 हाथों में खड़ग, बाण आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्दत रहने वाली है। इनके घंटे की भयानक चंडध्वनि से दानव, अत्याचारी, दैत्य, राक्षस डरते रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंध और विविध दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती है। इनकी आराधना सद फलदायी है, यानी कि तुरंत फल मिलता है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने वाली होती है, इसीलिए भक्तों के कष्ट निवारण का ये भक्तों के कष्ट का निवारण तुरंत ही कर देती है। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह ही पराक्रमी और निर्भय होता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदा तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला सद्गुण एक यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भरता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होता है। उसके मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के साधक और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का दिव्य अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से, यानी कि साधारण आंखों से दिखलाई नहीं पड़ती, किंतु साधक और संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भलीभांति कर लेते हैं। साधक को चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म और काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध और पवित्र करके इनकी उपासना आराधना में तत्पर रहे। उनकी उपासना से हम समस्त संसारी कष्टों से विमुख होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सदगति देने वाला है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक की समस्त बाधाएँ नष्ट हो जाती है। माता के सिर पर अर्धचंद्र मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित रहता है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। अपने इस रूप से माता देवगण संतों और भक्तजनों के मन को संतोष और प्रसन्नता प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र, धनुष और भरे हुए तरकस लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। माता का ऐसा अद्भुत रूप देखकर ऋषिगण मुग्ध होते हैं और वेद मंत्रों द्वारा देवी चंद्रघंटा की स्तुति करते हैं। समस्त भक्तजनों को देवी चंद्रघंटा की वंदना करते हुए इसी प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात देवी ने चंद्रमा को अपने सिर पर घंटे के समान सजा रखा है। उस महादेवी महाशक्ति चंद्रघंटा को मेरा प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार की स्तुति एवं प्रार्थना करने से देवी चंद्रघंटा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। योग साधना कर रहे हैं उनके लिए ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन कुंडलिनी जागृत करने हेतु स्वाधिष्ठान चक्र से एक चक्र आगे बढ़कर मणिपूरक चक्र का अभ्यास करते हैं। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की पंचोपचार विधि से पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त कर योग का अभ्यास करने से साधक को अपने प्रयास में आसानी से सफलता मिलती है। माँ का प्रिय फूल चमेली है। आज के दिन छोटी कन्याओं को दिए जाने वाला उपहार है मिठाई। मिठाई का इस दिन बहुत महत्व होता है। इस दिन अगर हाथ से बनी खीर या हलवा बनाकर माँ को प्रसाद चढ़ाया जाए तो माँ अति प्रसन्न होती है। आज के दिन किस रंग का वस्त्र पहने? लाल। उपासक को आज चौलाई जरूर खानी चाहिए। आज के दिन किए जाने वाला विशेष उपाय है ऋण मुक्ति के लिए।
ऋण मुक्ति के लिए आज के दिन कच्चे आटे की लोई में गुड़ भरकर पानी में बहाए। और दूसरा उपाय है कमल की पंखुड़ियों में आज के दिन माँ को मक्खन और मिश्री का प्रसाद लगाएं। और इसके अलावा 48 लौंग और 6 कपूर की आहुति आज दीजिए, इससे आपके ऋण आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।